नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। और आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रधान रेलवे स्टेशन की। जी हां, वही प्रधान रेलवे स्टेशन जो किसी ज़माने में दो प्लेटफॉर्म्स का एक क्रॉसिंग स्टेशन हुआ करता था। अब एक प्लेटफॉर्म और एक कोच साइडिंग के निर्माण के बाद दोनों को हाथ में लेकर मशगूल हो चुका है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आज से कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले, हाल ही में ही हम कह सकते हैं, कोल साइडिंग का निर्माण प्रधान रेलवे स्टेशन पर पूरा हुआ और अब वहाँ पर कोयले वाली मालगाड़ियों का आवागमन भी शुरू हो गया। किसी ज़माने में प्लेटफॉर्म नंबर 2 हुआ करता था प्रधान रेलवे स्टेशन पर, जो कि अब धराशायी हो चुका है। अगर आपने आज से पहले प्रधान रेलवे स्टेशन नहीं देखा है तो आप पहली नज़र में प्लेटफॉर्म नंबर 2 के हिस्से को वर्तमान समय में देखकर एक भी बार अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किसी ज़माने में यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था जहाँ पर ट्रेन्स रुका करती थी या क्रॉसिंग्स भी कई बार हुआ करती थी। आपको बताते हैं आज की इस खास रिपोर्ट में कि आखिरकार एक कोल साइडिंग बनने के बाद कुछ बेनिफिट्स जो कि रेलवे गिना रही है कि होने वाले हैं, जाहिर तौर पे होंगे, मगर इसके साथ में यात्रियों को क्या कुछ नुकसान इससे हो रहा है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर एक सिंगल लूप लाइन का ट्रैक बचा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं, ना उतरने की ट्रेन से समुचित व्यवस्था, ना चढ़ने की समुचित व्यवस्था, तो आखिरकार क्यों ट्रेनों का क्रॉसिंग उस प्रधान रेलवे स्टेशन पर कराया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। जो ओल्ड एज लोग हैं वो कैसे उतरें, जो महिलाएं हैं वो कैसे उतरें, कैसे चढ़ें, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा विजुअल दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से कि क्या कुछ तस्वीर निकल कर आ रही है प्रधान रेलवे स्टेशन की। बात करते हैं आज के इस रिपोर्ट में। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट में आप इस वीडियो को पहले पूरा देखिए फिर ज़रूर राय दीजिएगा। तो देखिए, ये आप सामने देख रहे हैं प्रधान रेलवे स्टेशन का दिन और रात दोनों का नज़ारा, और दोनों का ही नज़ारा इसलिए दिखा रहे हैं हम आपको कि जिससे आकलन जो है, विश्लेषण जो है, वो बड़ी ही स्पष्टता के साथ में हो सके। जाहिर तौर पे प्रधान स्टेशन के इस मुद्दे को लेकर आप सभी के कई सारे कमेंट्स, कई सारे व्यक्तिगत कॉल्स और व्हाट्सएप पर भी बातचीत में आप लोगों का ये कहना था कि इस विषय को ज़रूर से संज्ञान में लिया जाए। उम्मीद करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे ज़रूर से इस विषय पर संज्ञान लेगा। बहरहाल, आगे बढ़ते हुए सामने आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जहाँ आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 का हाल, पूरा यहाँ पर धूल और मिट्टी का गुबार जो है वो दोस्तों साफ तौर पर देखा जा सकता है। जाहिर तौर पर कोयला यहाँ उतरता है, अब यहाँ कोयले की अनलोडिंग होने लगी है। इसकी वजह से यहाँ अगर आप खड़े भी होंगे तो जाहिर तौर पे कपड़े जो हैं आपके वो मैले तो तुरंत हो जाएंगे। पहला तो यही है। दूसरा, इतनी हाइट पर बिना प्लेटफॉर्म के चढ़ना, खास तौर पे जो स्पेशल एबल्ड लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए या महिलाओं के लिए शायद कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत बन सकती है। ऐसे में मुझे लगता है और ऐसे में पूर्वोत्तर रेलवे को इस विषय पर ज़रूर से संज्ञान लेना होगा। सीधे तौर पे कुछ टाइम टेबल हम आपको सामने दिखा रहे हैं। ये आप सामने देखें, आपको स्क्रीन पर दो ट्रेनों के टाइम टेबल नज़र आ रहे हैं, 054-93 और 054-92। 054-93 शाहगढ़ लखनऊ पैसेंजर है और उसी के ठीक बगल में आप देख पा रहे हैं 054-92 जो कि सीतापुर से मैलानी पैसेंजर है। अब ये दोनों ही ट्रेनें पीएम की ट्रेनें हैं, यानी कि शाम की ट्रेनें हैं, और इनका आप टाइम टेबल देखिए। रजागंज से निकलने के बाद फरधान तक पहुंचने के लिए 054-93 शाहगढ़ लखनऊ पैसेंजर को लगभग आधे घंटे का समय दिया गया, जबकि आधा घंटा रजागंज से फरधान नहीं लगता है। और फरधान अमूमन यह गाड़ी दोस्तों बिफोर आके खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद फिर जब 054-92 लखीमपुर से चलकर सीतापुर से आने वाली जो मैलानी को जाने वाली ट्रेन है, जब वह फरधान पहुँचती है अपने निर्धारित समय पर, तब वहाँ पर इसका क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस के भी नज़ारे आप सामने देख पा रहे हैं। रात का अंधेरा है और रात में जब 054-92 का अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, वहीं सामने 93 खड़ी हुई है 2 नंबर पर, और आप हाल देखें, अंधेरा ज़्यादा है, रोशनी को कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में रात में भी लोगों को चढ़ने और उतरने में जाहिर तौर पर असुविधा तो है। अनुमान यह कहता है कि रजागंज से फरधान के बीच में जो शाहगढ़ लखनऊ पैसेंजर का टाइम टेबल जो आधे घंटे का दिया गया, पूर्वोत्तर रेलवे को थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करना चाहिए और यही टाइम टेबल को अगर लखीमपुर तक कर दें, यानी कि फरधान से चलकर सीधे गाड़ी लखीमपुर जब रुके देवकली रुकने के बाद, तो यहाँ पर शायद आसानी से क्रॉस कराया जा सकता है। एक प्लेटफॉर्म की समुचित व्यवस्था यात्रियों को मिल जाएगी और लोगों को चढ़ने और उतरने में असुविधा नहीं होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है।
आप ये देख सकते हैं सामने हाल, ये वर्धान का हाल है। देखिए, अब जब से कोल साइडिंग बनी है तब से देखिए यहाँ पर ट्रक्स की भरमार आपको दिखेगी। जो टीन शेड शेल्टर जो पहले वर्धान स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पर हुआ करता था, उसको पूरा ही उठा के एक अलग हिस्से में, TSS के पास एक अलग हिस्से में शेड के रूप में स्थापित कर दिया गया है। ये नज़ारा शायद ही कहीं आपने पहले देखा होगा। भविष्य में आप भी जानते हैं ट्रेनों में क्राउड बढ़ेगा, और जब क्राउड बढ़ेगा तो अगर जो दो नंबर ट्रैक पर वर्धान में आप क्रॉस करा रहे हैं, वहाँ पर अगर जो ट्रेन आएगी, कोल साइडिंग बनने की वजह से आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा वहाँ पर धूल मिट्टी हो गई है, लोग अपने कपड़े गंदे करें, ये हाल हो रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रेलवेज़ को, पूर्वोत्तर रेलवे को थोड़ा सा अपने शेड्यूल में थोड़ा सा यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करना होगा या चेंजमेंट करना चाहिए, और कोल साइडिंग की वजह से वर्धान पर क्रॉस ना करा कर लखीमपुर में क्रॉस कराना चाहिए। और अगर इसी तरह से हम सुबह की बात करते हैं तो 05085 मैलानी डालीगंज पैसेंजर, उसी तरह से 05494 जो कि लखनऊ से डालीगंज से मैलानी के लिए पैसेंजर है, सुबह नई पैसेंजर, इन दोनों का क्रॉस में मूवमेंट वर्धान में होता है। अक्सर लेट भी होती हैं गाड़ियां, तो उनमें आगे पीछे कहीं लखीमपुर में करा दिया गया। बाकी आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताइए। समस्या जो है पब्लिक की समस्या है, इसलिए हमने दिखाया, और हमको उम्मीद है कि अब इस विषय पर पूर्वोत्तर रेलवे ज़रूर से संज्ञान लेते हुए, मैं एक तरह से मान सकता हूँ पूर्वोत्तर रेलवे संज्ञान लेते हुए जो भी उचित कार्रवाई होगी ज़रूर करेगा। कोल साइडिंग का विरोध नहीं, मगर हाँ, कोल साइडिंग के बेनिफिट्स के साथ में थोड़ा सा अगर इसको चेंजमेंट करते हैं तो यात्रियों को भी ज़रा बड़ा बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार।